मेरे साथ एक जिंदा वाकया जो लाइव पेश आया ये कि 9 महीने से मेरा भाई नहीं मिल रहा था और हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। तो मेरे एक दोस्त है मीसम अब्बास, और तो उनको मैंने अपने दिल का हर एक चीज़ बताता हूँ और उनसे मैंने अपने दिल का हर एक चीज़ शेयर किया, मतलब उन्हें बताया, तो उन्होंने और अगर वहाँ कोई ऑप्शन उठा दे, कोई ऐतराज कर दे तो फिर क्या होगा। दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा नजीबाबाद, हजरत अली अलैहिस्सलाम की यह दरगाह है। यहाँ पर आने वाले सभी तरह के लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी सब तरह के लोग आते हैं। अहले सुन्नत उल जमात से हमारे साथ में हमारे भाई हैं, मोहम्मद रफीक नाम है इनका। इनके साथ एक वाकया पेश आया है, यानी जैसा कह दीजिए कि मौजा हुआ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू लेना चाहा। और सबसे पहले तमाम जनता मंदिर के नाजरीन को मैं अस्सलाम वालेकुम कि आपने देखा। और सबसे पहले बात मैं सभी उम्मत मुस्लिमा को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैतुल मुस्लिमीन। और मेरे साथ एक जिंदा वाकया जो लाइव पेश आया ये कि 9 महीने से मेरा भाई नहीं मिल रहा था और हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। तो मेरा एक दोस्त है मीसम अब्बास, और तो उनको मैंने अपने दिल का हर एक चीज़ बताता हूँ और उनसे मैंने अपने दिल का हर एक चीज़ शेयर किया, मतलब उन्हें बताया। तो उन्होंने दरगाह आलिया में आने और हाजिरी देने का मौका था और उर्स भी था, और उर्स ही कह सकते हैं और क्या कर सकते, तो हम यहाँ आए और यहाँ पर हमने अपनी अर्जी डाली। हमने मौलाए कायनात की दरगाह में जबान से कुछ नहीं बोला, हमारे सिर्फ आँख ही ने कहा और मौला ने सुना। और जैसे ही हम ट्रेन में बैठे, एक रात के अंदर 9 महीने से जो मेरा भाई नहीं मिल रहा था वो मेरे पैर के सामने बैठा हुआ था। तो उस वक्त के तमाम जितने भी शिया सुन्नी जितने भी अहले ईमान है दुनिया में, जितना दिन तक वो जिंदा रहेंगे उनका ये जिंदा मौजजा जिंदा रहेगा। और मौलाए कायनात का ठोकर ठोकर ही मौजजा है, मेरा यहाँ खड़ा रहना भी मौजजा है और आप लोगों का ये चैनल देखना भी एक तरीके से मौजजा ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मौला अली के बारे में आपने सुना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको यहाँ खींच के लाती है? मौलाए कायनात कैसी कौन सी चीज़ है जो खींच के लाती है? ये खींच के लाती है कौन सी चीज आपसे को ये पूछना है कि कौन सी चीज उनके नहीं है जो तुम्हें मोमिनीन को यहाँ नहीं बुलाती है? हर एक चीज, मौलाए कायनात का उठना बैठना देखना बात करना, साकी किस्मत है, साकी रसूल है, और जो साकी रसूल है वो अमीरुल मोमिनीन है। अच्छा रफीक भाई, ये बताइए आप यहाँ आते हैं रिश्तेदारों को या फिर रिलेशन वालों को मालूम है कि आप यहाँ आए? बेशक। अब मौला से मोहब्बत भी और डंका का चोट ना हो, ऐसा कोई बात हो सकता है क्या? यानी मौला की दरगाह पे जो आए हैं, मौला के दर पे, ये डंके की चोट पर आए हैं, और अगर वहाँ कोई ऑप्शन उठा दे, कोई ऐतराज कर दे तो फिर क्या होगा? वहाँ पर कोई ऐतराज तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर होगा तो मेरा तो हैसियत नहीं उन्हें संभालने का, उन्हें तो मौला ही देखेंगे। आपका क्या होगा फिर, आप कहाँ जाएंगे? फिर यहीं आएंगे इनके दर पे। देखिए कोई भी कहीं भी किसी भी रास्ते से भटक जाए तो सिराते मुस्तकीम पकड़िए और मौला के दर पर आ जाइए, क्योंकि हक का दूसरा नाम अली है। अच्छा, अली वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे इनकी मोहब्बत के लिए? इनकी मोहब्बत अली, मौलाए कायनात की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है, और जब मौलाए कायनात की मोहब्बत इंसानी जिस्म में ना हो तो जिंदा लाश के बरतर है। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत अच्छी बात कही। जनता वनता को ऐसी प्यार और सपोर्ट करते रहिए, जनता वनता आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलाता रहेगा और ऐसी ही जगह दिखाता रहेगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लव यू ऑल।